उसकी बात हमने करनी है, स्टेट फंक्शन की बात करनी है, इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आज बेटे हम छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको हम गौर कर लेते हैं और समझ लेते हैं, बस देखते हैं इसमें क्या क्या बेटे चीज़ें जो हैं सिस्टम होती हैं और क्या सराउंडिंग होता है। तो पहली बात बेटे सिस्टम में देखता हूँ, ये चैप्टर सेवन है, चैप्टर सेवन, और पहली बात बेटे इसके अंदर मैं सिस्टम की देख रहा हूँ, और सिस्टम से रिलेटेड बेटे होता है सराउंडिंग। तो फिर हम देखेंगे सराउंडिंग क्या होता है बेटे, फिर एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ऐसी चीजें बेटे होंगी, उसका नाम हम रखते हैं सिस्टम। पहली बात बेटे देख रहा हूँ, एनीथिंग जिसे मटेरियल कह सकते हैं, एनीथिंग मटेरियल जो है अंडर ऑब्जर्वेशन, सादा सिंपल अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसकी जिसका मुशाहदा किया जा रहा है बेटे, इसका सिस्टम, उसका नेम बेटे हम सिस्टम रख देते हैं। कोई भी चीज जिसको बेटे आप देख रहे हो, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो, उसका नाम हम रख देते हैं बेटे, कहते हैं सिस्टम। फिर आगे लिख रहा हूं फॉर एनीथिंग अंडर स्टडी, कोई भी चीज बेटे अगर स्टडी हो रही है इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर एज कार्ड, उसका नाम भी सिस्टम है। तो इसका मतलब हमारे पास कई तरीके हैं बेटे, जिन तरीकों से हम बेटे सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं, और आप जरा पढ़ पढ़ के देखते जाओ साथ साथ बेटे इसमें मुश्किल क्या है। ठीक है बेटे, आर एनी पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स, एनी पोर्शन टुकड़ा ऑफ द यूनिवर्स, कायनात का, ठीक है बेटे, यूनिवर्स अंडर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जो आपकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में आ गए, अंडर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में आ गया है, मुशाहदा आप जिसका कर रहे हो एज कार्ड, उसका नाम भी हम कह देते हैं बेटे सिस्टम। अब देख लो ये सिस्टम की कितनी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन है एक ही बेटे, है सेम बेटे, कोई फर्क नहीं है बेटे, कोई डिफरेंस नहीं है। उसका नाम हम क्या रख रहे हैं, उसका नाम ही सिस्टम रख रहे हैं। अब देखते हैं बेटे एग्जाम्पल्स, आर एनी थिंग, ठीक है बेटे, विच इज अंडरगोइंग, जो हो रही है केमिकल चेंज, जिसमें कीमियाई तब्दीली हो रही है, केमिकल चेंज हो रही है, एज कार्ड, उसका नाम हम रख देते हैं केमिकल सिस्टम। इसका मतलब है केमिकल सिस्टम में या सिस्टम में डिफरेंस तो देखो ही ना हुआ, तो ये हमारा बेटे सिस्टम हो गया। अब देखते हैं बेटे कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं। पहली एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हम स्टडी कर रहे थे एक गैस को, ऑक्सीजन को स्टडी कर रहे थे, क्या दिख रहे थे बेटे, वन मोल ऑफ ऑक्सीजन, वन मोल ऑफ ऑक्सीजन कन्फाइंड इन किसके अंदर बेटे, इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर में फिटेड विद पिस्टन,
जिसमें बेटे पिस्त्री लगा हुआ था, इसका मतलब ये सारी बाकी बातें तो ऐसे ही हैं। इज अ सिस्टम, कौन है फिर सिस्टम? इसका मतलब है ये वन मोर ऑक्सीजन को कंसीडर कर रहे हैं, गर्म करने से फैलती है, सुखड़ती है, कैसे है उसको चेक कर रहे हैं, उसका नाम हम रख दिया सिस्टम। ठीक है बेटे। और अगर किसी सिलेंडर में, ठीक है बेटे, और अगर उसका पिस्टन देख लिया हमने, सारे ऑब्जेक्ट का टुकड़े बाकी देखे, वो सराउंडिंग कहलाएंगे। एक कप वाटर है बेटे, उसको हम चेक कर रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। एक कप वाटर, वाटर का जो कप है बेटे, ये वाटर देख रहे हैं इसको, इज अ सिस्टम, वो हमारा सिस्टम है बेटे, उसको हम सिस्टम कहते हैं। बड़ी सिंपल बात है ये, कोई भी चीज इसको स्टडी कर रहे हैं वो कौन हो गया बेटे? सिस्टम। आगे चलते हैं बेटे, एक एग्जांपल हम डायग्राम ले लेते हैं। हमने बेटे ये डायग्राम से एक बना ली है बेटे, इस डायग्राम के अंदर बेटे ये वाला इलाका जो है इसको हम देख रहे हैं, किसको बेटे? इस शय को, सिस्टम को, किसको देख रहे हैं? ये देख रहे हैं ये कौन है फिर इर्द गिर्द, ये जो चीजें इर्द गिर्द पड़ी हैं ये सारी, ये कौन हो गए बेटे? ये सारी की सारी कहलाएंगी सराउंडिंग्स, ये सारी की सारी सराउंडिंग्स कहलाएंगी। और ये कौन है? सिस्टम। और ये जो बेटे जिसने सिस्टम को सराउंडिंग से अलग किया हुआ है, ये कौन हो गया? इसको हम कहेंगे बाउंड्री, सरहद, बाउंड्री। और ये कौन है जिसके बारे में गौर बोध हो रहा है? उसको हम कहेंगे सिस्टम। ठीक है बेटे। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम जो है वो है बेटे चीज जिसके बारे में जिक्र हो रहा है, जिसकी ऑब्जर्वेशन हो रही है, जिसकी को प्रॉपर्टी चेक की जा रही है, जिसके बारे में जिसका बॉरिंग पॉइंट देखा जा रहा है, जिसका वॉल्यूम देखा जा रहा है। ठीक है बेटे। ये सारी चीजें जो देखी जा रही है, टेम्परेचर देखा जा रहा है, वो सबको हम क्या कहेंगे? दैट इज, उसका नाम रखेंगे दैट इज सिस्टम। अब हम देखते हैं बेटे सराउंडिंग, क्योंकि ये दोनों चीजें तो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो बेटे देखते हैं सराउंडिंग क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होता है बेटे, चेक कर लेते हैं सराउंडिंग्स क्या होता है। सराउंडिंग्स के बारे में बेटे गौर कर, क्या है बेटे? वो एनवायरमेंट जिसके अंदर सिस्टम मौजूद है। चलो ऐसे कह लें, ऐसे नहीं कहना तो आपने कह देना हर चीज जो सिस्टम के अलावा है वो उसको सराउंडिंग कह लेंगे। ठीक है बेटे। तो दो तीन बातें हम करके देख लेते हैं कि इसमें सराउंडिंग हमारे पास क्या है। ठीक है, गौर कर लें बेटे सराउंडिंग क्या है। द एनवायरमेंट, पहली बात मैंने देख ली बेटे, वो माहौल, एनवायरमेंट वो माहौल है इन विच सिस्टम इज ऑब्जर्व, जिसके अंदर सिस्टम को, सिस्टम इज ऑब्जर्व्ड, मुशाहदा किया जा रहा है, देखा जा रहा है, इज कॉल्ड, उसका नेम बेटे हम रख देते हैं कि दैट इज बेटे सराउंडिंग्स, उसका नाम हम सराउंडिंग्स रख देते हैं। दूसरी बात, एक और तरीका भी हो सकता है बेटे, सिस्टम के अलावा हर चीज, ये बेटे कौन बेटे? एवरीथिंग, सादा तो हम यही बनाएंगे ना बेटे, एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम, सिस्टम के अलावा हर शय, सिस्टम के अलावा हर शय इज कॉल्ड सराउंडिंग, उसे सराउंडिंग कहते हैं। हर शय सिस्टम के अलावा, इसका मतलब सिस्टम को तो आप स्टडी कर रहे हैं, तो बेटे जो नहीं स्टडी किया जा रहा उसको हम क्या कह रहे हैं? उसे हम कह रहे हैं दैट इज सराउंडिंग, उसका नाम हमने रख दिया कि वो सराउंडिंग है बेटे। एक और तरीके से भी कह सकते हैं, एवरीथिंग विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिस्टम, एवरीथिंग विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ, ये सिस्टम का पार्ट नहीं है, इज कॉल्ड
उसका नाम हम रख देते हैं दैट इज सराउंडिंग। अब देखो बेटे ये सारी बातें सिर्फ वर्डिंग का फर्क है, बाकी तो कोई फर्क नहीं है बेटे, ये कोई डिफरेंस नहीं है, ये तीनों बातों में कोई फर्क नहीं है बेटे। तो सिस्टम क्या हो गया, सराउंडिंग क्या हो गया, उसके बारे में गौर कर लें बेटे। अब देखते हैं, ये मैंने बेटे एक पहली एग्जाम्पल दे दी, वजह करेंगे बेटे एग्जाम्पल क्या है। पहली बात बेटे देख रहा हूं, एक कप ऑफ वाटर, वाटर हमने लिया है, इन दिस केस, इस केस के अंदर द वाटर इज अंडर स्टडी, वाटर जो है बेटे वो अंडर स्टडी है, उसके बारे में गौर किया जा रहा है। सो इस सिस्टम एंड एवरीथिंग, और हर शय अदर देन वाटर, पानी के अलावा, अदर देन वाटर, पानी के अलावा हर शय इज सराउंडिंग, उसे हम सराउंडिंग का बेटे नाम देंगे, उसे हम सराउंडिंग्स का नाम देंगे। तो फिर इसका मतलब कौन सिस्टम हुआ बेटे, पानी, सराउंडिंग कौन हुआ, जो कुछ भी उसके बाहर हुआ। ये हम एक डायग्राम बेटे बना रहे हैं, गौर करिए ताकि थोड़ी बातें हम अपनी टेक्स्ट से भी बना लें। ये बेटे हमारे पास एक फ्लास्क है, इसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है, वो डाला हुआ है हमने ये चीजें बेटे, इसके अंदर बेटे कॉपर सल्फेट है, बिनू कलर था, जिंक डाल दिया हमने। जैसे जिंक हमने डाला तो बेटे रिएक्शन शुरू हो गया, कलर खत्म होना शुरू हो गया, बन क्या गया बेटे ZnSO4 प्लस कॉपर, ये बन गया। अब बताओ बेटे हम ये फ्लास्क को देख रहे हैं या हम ये रिएक्शन को देख रहे हैं, रिएक्शन देख रहे हैं या फ्लास्क को देख रहे हैं। हमने कहा कि हम तो रिएक्शन देख रहे हैं, हम किसको देख रहे हैं बेटे, रिएक्शन को। तो इस फ्लास्क में देखिए एग्जाम्पल नंबर टू, इन फ्लास्क, फ्लास्क के अंदर कॉपर सल्फेट को हमने अलाउ कर दिया टू रिएक्ट विद इसके साथ बेटे, जिंक के साथ रिएक्ट करने की इजाजत दे दी। इन द रिएक्शन मिक्सचर, जो रिएक्शन मिक्सचर है जिसको रिएक्शन आप करा रहे हो, एज बेटे बताओ क्या है, एज सिस्टम एंड एवरीथिंग, और बेटे हर शय, इसके बाहर टेबल भी पड़ा हो सकता है बेटे, चेयर पड़ी हो सकती है, कमरा हो सकता है, हवा हो सकती है, एवरीथिंग, ठीक है बेटे, अदर देन रिएक्शन मिक्सचर, अदर देन रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर के अलावा हर शय कौन होगी, इस सराउंडिंग, इसका मतलब है एयर जो इसके गर्द होगी बेटे वो सराउंडिंग में आएगी बेटे, सराउंडिंग में, और बेटे वो इमेजिनरी या रियल बेटे सरफेस जिसने सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर देना है, उसका नाम हम क्या रखेंगे, उसका नाम बेटे हम रखेंगे दैट इज बाउंड्री, उसका नाम बेटे हम बाउंड्री रख देते हैं। इसका मतलब बाउंड्री भी एक चीज हुई बेटे, द रियल आर इमेजिनरी सरफेस, हकीकी भी हो सकती है बेटे, फर्जी भी हो सकती है, द रियल आर इमेजिनरी सरफेस, रियल आर इमेजिनरी, फर्जी, फर्जी को कहते हैं बेटे मैं तसव्वुराती सरफेस, रियल आर इमेजिनरी सरफेस, ठीक है बेटे, विच सेपरेट्स, जो अलहदा करके रख दे, किस किस को अलहदा करके रख दे, सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग,
सिस्टम को सराउंडिंग से, सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर दे, ठीक है बेटे, इस कार्ड उसे बाउंड्री कहा जाता है, सरहद कहा जाता है, दीवार कहा जाता है, चलो ऐसे कह, उसे बाउंड्री कहा जाता है। तो ये हमारे पास बाउंड्री की डेफिनेशन भी आ गई, बहुत सारी एग्जांपल आप खुद भी दे सकते हो बेटे। अब हम देखते हैं व्हाट इज स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन कौन होता है बेटे, उस पे गौर करते हैं। तो स्टेट फंक्शन, स्टेट हालत जो काम करे, है ये बेटे किसी चीज की सिस्टम की हालत, लेकिन वो काम करती है, फंक्शन करती है, हमें कुछ समझा देती है, उसको कहते हैं बेटे स्टेट फंक्शन। ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, नजर आ रही होती है बेटे, नजर आती है सिस्टम, जो उसको खास वैल्यू है और सिस्टम को बेटे, और सिस्टम को कंप्लीटली कंप्लीटली डिस्क्राइब भी करती है, द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी नजर आती है बकायदा बेटे, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में समझ आ रही होती है बेटे, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी विच डिस्क्राइब द सिस्टम कंप्लीटली, जो बेटे डिस्क्राइब बयान करना बेटे, डिस्क्राइब द सिस्टम कंप्लीटली, एक सिस्टम को मुकम्मल तौर पे, कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे क्या कर दे बेटे, समझा दे हमें, इस कार्ड उसका नाम बेटे हम स्टेट फंक्शन रख देते हैं। तो उसका नेम हमने क्या रख दिया, उसका नाम हमने स्टेट फंक्शन रख दिया, किसका बेटे, वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जिसने बता दिया हमें कि ये क्या सूरत हाल है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी 10 डीएम क्यूब है जगह पे, वॉल्यूम घेरा हुआ है, फिर मैंने कह दिया 1000 डीएम क्यूब है, सुनने वाले को समझ आ जाएगी बेटे कि 10 डीएम क्यूब क्या होता है, 1000 डीएम क्यूब ज्यादा कौन है, उसको पता लग जाएगा ज्यादा कौन है बेटे, इसकी डेफिनेट वैल्यूज होती हैं बेटे, ठीक है बेटे, इट हैज डेफिनेट, इट हैज डेफिनेट वैल्यूज, इसकी बेटे खास वैल्यूज होती हैं, नाम हो तो समझ ही ना आए फिर तो बेटे, और किसके लिए होती है बेटे, फॉर दो चीजों के लिए, फॉर इनिशियल इब्तदाई और बेटे फाइनल स्टेट के लिए, इनिशियल के लिए, इनिशियल स्टेट के लिए भी इसकी खास वैल्यू, और बेटे फाइनल स्टेट के लिए भी इसकी खास वैल्यू, ठीक है बेटे, इसकी इनिशियल और आखिरी वैल्यू और इब्तदाई वैल्यू खास है, भी खास वैल्यू उसको हम कहते हैं डेफिनेट वैल्यू इसके पास मौजूद है बेटे, ठीक है। और इसका ताल्लुक किससे होता है बेटे, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ अडॉप्टेड पे, ठीक है, इसकी वैल्यू का ताल्लुक किस पे होता है, वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन, वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन, जो स्टेट फंक्शन की बेटे वैल्यू होती है किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, और बेटे फाइनल स्टेट्स पर डिपेंड करती है, और बेटे पहली बात मैंने लिखी, दूसरी बात मैं लिख रहा हूं वो किस पे डिपेंड करती है, कहता है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ अडॉप्टेड, रास्ते से कोई ताल्लुक नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ अडॉप्टेड, रास्ता जो आपने इख्तियार किया उससे कोई ताल्लुक बेटे नहीं है, पाथ अडॉप्टेड से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनिशियल फाइनल वैल्यू से इसका ताल्लुक है, प्रायर हिस्ट्री पुरानी हिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, कि इसको गर्म करके 50 डिग्री पे लाए हो या 100 से ठंडा करके 50 डिग्री सेल्सियस पे लाओ, उससे भी कोई ताल्लुक नहीं है बेटे, प्रेजेंट कंडीशन देखोगे, प्रेजेंट कंडीशन देखोगे फिर समझ आएगी, देखते बेटे कैसे इसको जाहिर किया जाता है। अब बेटे ये स्टेट फंक्शन की बातें हमने कर दी, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे, रिप्रेजेंटेशन जाहिर करने का तरीका कैसे है बेटे, सिंपल वे है बेटे, कैपिटल लेटर्स,
कैपिटल लेटर्स यूज हम करते हैं किसके लिए बेटे, स्टेट फंक्शन को समझाने के लिए या समझने के लिए। और वो क्या है बेटे इसकी इसकी बातें, पहले नंबर पे मैंने लिख दिया बेटे प्रेशर, फिर लिख देता हूं वॉल्यूम, फिर लिख रहा हूं टेम्परेचर, फिर लिख रहा हूं बेटे मैं एंथैल्पी, एंथैल्पी, फिर मैं कह देता हूं इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है बेटे, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स एनर्जी, ठीक है बेटे। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, प्रेशर को रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल पी से, इसको करोगे कैपिटल वी से, इसे करोगे कैपिटल डी से, इसे करोगे कैपिटल एच से, इसे करोगे कैपिटल ई से, कैपिटल, और इसे बेटे करोगे एस से, और इसे करोगे बेटे जी से, एटसेट्रा। ये हमने क्या कहा बेटे, स्टेट फंक्शन को जाहिर करने के तरीके सीखे। अगर कहीं बड़ा जी लिखा हुआ नजर आएगा हम तो कहेंगे स्टेट फंक्शन। अब देखते हैं बेटे इसमें तब्दीलियां कैसे पता लग जाती हैं, चेंज इन स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन के अंदर, स्टेट फंक्शन में चेंजेस कैसे आती हैं। हम कहते हैं दो काम आप कर लें, कौन कौन से बेटे काम कर लें, पहली वैल्यू आपको समझ लो ये इनिशियल वैल्यू, इनिशियल बेटे स्टेट पर, इनिशियल स्टेट्स वैल्यू, इसकी समझ हमें आ गई, और बेटे फाइनल स्टेट वैल्यू, उसे हम कहते हैं फाइनल, फाइनल स्टेट्स वैल्यू, स्टेट कॉमा लगा के लिख रहा हूं, ये वैल्यू भी समझ हमें आ जाए फिर हम इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं, फिर ये चेंज ढूंढना कोई मसला नहीं। देखते हैं बेटे किस तरह से, बेटे हमने डेल्टा टी पता करना है या डेल्टा पी पता करना है, तो मैं कहूंगा पी टू में से पी वन सब्ट्रैक्ट कर दो, पी टू कौन है फाइनल वैल्यू बेटे, डेल्टा डेल्टा वी पता करना है चेंज इन वॉल्यूम, तो हम कहेंगे वी टू माइनस वी वन कर दो, डेल्टा ई अगर किसी को बताना है तो हम कहेंगे ई टू माइनस ई वन कर दो, और बेटे अगर इसके अलावा डेल्टा एस का पता करना है तो हम क्या कहेंगे एस टू माइनस एस वन कर दो, अगर डेल्टा एच एंथैल्पी की चेंज का पता करना है तो हम कहेंगे एच टू माइनस एच वन कर दो, और अगर बेटे डेल्टा जी फाइंड आउट करना चाहते हो गिब्स फ्री एनर्जी तो हम कहेंगे जी टू माइनस जी वन कर दो। इसका नाम कोई भी ये बातें कर सकते हैं जो हमने लिखी, और अगर डेल्टा ई हमने पता करना हो तो फिर क्या करते हैं E2 माइनस E1 बेटे का, ठीक है। ये हमारे पास आ गई बेटे कौन सी चीजें, स्टेट फंक्शन के हवाले से, जिसका मतलब है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी थी जो सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब करती है, बयान करती है, हमने नाम स्टेट फंक्शन रख दी, और फिर हमने बताया कि इसकी डेफिनेट वैल्यूज है, इनिशियल फाइनल स्टेट पे इसका ताल्लुक होता है, रास्ते से कोई ताल्लुक नहीं, प्रायर हिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रायर हिस्ट्री उससे भी कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम कह रहे हैं वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन का ताल्लुक क्या होता है, वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन का हमने कहा ताल्लुक ये बनता है कि बेटे इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम ये दो तीन बातें सोच सकते हैं, तीसरी में लिख नहीं रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रायर हिस्ट्री, प्रेजेंट कंडीशन पर डिपेंड करता है, ये बेटे दो बातें मैंने लिख दी, तीसरी बात मैं लिख रहा हूं डिपेंड ऑन, डिपेंड करता है किस पे, ऑन प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन पे डिपेंड करता है, प्रेजेंट कंडीशन उस वक्त पे करता है बेटे, और चौथी बात मैं इधर लिखने लगा हूं जरा गौर करें बेटे, इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट है किससे, इंडिपेंडेंट है ऑफ प्रायर हिस्ट्री ऑफ सिस्टम, ऑफ प्रायर पुरानी हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं भी कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ऑफ सिस्टम, सिस्टम की पुराने वाली हिस्ट्री से इसका कोई ताल्लुक नहीं, जिसका मतलब ये हुआ कि एक बात हमारे सामने ये आ गई है, एक ये आ गई है, एक तीसरी आ
बाकी हमने तो सारा कुछ कर ही लेना होता है। ये हमारे पास बेटे चीजें आ गई, इनको आप याद भी कर सकते हैं। तो इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, और बेटे इसके अलावा फर्स्ट हेस लॉ है, तीन तो टॉपिक टोटल मजीद है। तो 2 दिन में उम्मीद है हम इसे कंप्लीट कर लें। थैंक यू।